आज हम जा रहे हैं गौमुख में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में। गौमुख हमारे गांव डोब से 1 घंटे की दूरी पे आया है और गौमुख टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है और गौमुख जाने के लिए हमें डोब से 1 घंटे की ट्रैकिंग करनी होती है और ये ट्रैकिंग पहाड़ों के बीच से करनी होती है। इतना सुंदर नज़ारा दिखता है हमें आजू बाजू, जैसे आप देख रहे हो ये गेहूं के खेत, ऐसे ही खेत और रंग बिरंगी फूल, पेड़ और पर्वतों के बीच से ट्रैकिंग करके हमें गौमुख जाना है। और गौमुख में है लक्ष्मी नारायण जी का स्वयंभू मंदिर। बोला जाता है ये मंदिर एक ही रात में बना हुआ है और जैसे ही रात पूरी हुई ये मंदिर बनके ख़त्म हो गया और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है। मैं भी पहली बार जा रही हूँ ये मंदिर देखने के लिए और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ ट्रैकिंग में नज़ारा और ज़्यादा ही ज़्यादा सुंदर होता जा रहा है। जैसे ये देख रहे हैं आप गेहूँ के खेत और सुभाष वहाँ से पानी लेके आने वाला है। वहाँ पे पानी की धार आती है जो किसी को नहीं पता वो पानी कहाँ से आता है। वो पानी हमेशा वहाँ पे बहता रहता है। जो स्वयंभू मंदिर है वहाँ पे वो पानी कहाँ से आता है वो आज तक किसी को भी पता नहीं चला है और हम भी वो पवित्र जल लेने के लिए जा रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ चलिए गौमुख में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में। फूल है? हाँ? गंदी है, आते आते लेते हो। वापसी नजारो हाथ पकड़ी तुहे घुमोल चल मेरे पहाड़ो गुलाबी सूट तेरो पूरी जंगल वाड़ी वे माखने भले दिखे ने टोपी पहाड़ी गुलाबी सूट तेरो पूरी जंगल। बिंदी दूध ये मम्मी को लगाने का है ना? लगा दिया। और एक बार लगाओ।
रूप बड़ो प्यारो मन माफसी नजारो हाथ पकड़ी तुहे घुमोल चल मेरे पहाड़ो रूप बड़ो प्यारो मन माफसी नजारो हाथ पकड़ी तुहे घुमोल चल मेरे पहाड़ो गुलाबी सूट तेरो गोरी चन गलवाड़ी वे माखने भल दिखे टोपी पहाड़ी गुलाबी सूट तेरो रूप बड़ो प्यारो मन माफसी नजारो हाथ पकड़ी तुहे घुमोल चल मेरे पहाड़ो गुलाबी सूट तेरो गोरी चन गलवाड़ी वे माखने भल दिखे टोपी पहाड़ी गुलाबी सूट तेरो। और ये आप नजारा देखिए, पूरे जंगल ग्रीनरी के बीच से पीछे पहाड़ और इतनी अमेजिंग ट्रैकिंग रही। हम भी ये सारे नज़ारे के बीच से लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जा रहे हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा और कितना प्यारा मौसम है। और ये देखिए चारों तरफ सिर्फ हरियाली, सिर्फ ग्रीनरी। और यहाँ से हमारी ट्रैकिंग नीचे की तरफ जा रही है, तो अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। होरा मंदिर चलो। ये तो सिर्फ अभी हम आधे ही रास्ते पे पहुंचे। यहाँ से देखिए नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है और ये पूरा पर्वतों से रास्ता बना हुआ है। तो ये जो सारी ट्रैकिंग है वो पर्वत से आपको चढ़ाई और उतराई करनी होती है। तो अब पर्वत से हमारी उतराई स्टार्ट हो गई है, तो हम अभी यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं गौमुख पे। और ये नज़ारे देखिए, मेरी तो आंखें ही नहीं भर रही थी उत्तराखंड गढ़वाल के ये नज़ारा देखकर। और मुझे इसलिए गढ़वाल इतना पसंद है कि पूरी नेचुरल ब्यूटी है गढ़वाल में। यहाँ पे आपको नेचुरल हवा और नेचुरल पानी मिलेगा विदाउट एनी पॉल्यूशन। और ये देखिए जंगल के बीच में किसी ने मकान बनाया है। और नज़ारा देखिए, हिमालय रेंज, ग्रीनरी और ग्रीनरी के बीच से पर्वतों के बीच से रास्ता निकल रहा है। मुझे ये ट्रैक इतनी इंजॉय हुई, बहुत ही मज़ा आया मुझे। तो चलिए मेरे साथ, और तो काफ़ी रास्ता बचा हुआ है। सुभाष, ये भी तुम्हारा गांव ही है? हाँ, और यहाँ से चालू हो रहा है पाइन का जंगल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पाइन के पेड़ दिखाई देंगे और नीचे इतने सारे पाइन स्कोन गिरे होते हैं,
पूरा पाइन का पेड़ पाइन कोन से भरा हुआ था। मैंने तो बहुत सारे पाइन के कोन उठाए। क्या कैक्टस? तो क्या कैक्टस है दिखाऊं? तो क्या ये नाम लिखते हैं इस पे? क्या कुछ भी लिख? नहीं नहीं, सुबह शेखर बाघ भी आता है। ये स्टार्ट हो गया पाइन का जंगल। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी पाइन की ट्रीज है। और गढ़वाल में उत्तराखंड ठंडियों की जगह पे यहाँ पे पाइन के पेड़ बहुत ही होते हैं। और हमारे गांव डोब में तो बहुत सारे पाइन के पेड़ है। आप देखिए, सिर्फ नज़ारा देखिए, ऐसे नज़ारे में किसका मन ना लगे। इसलिए उत्तराखंड गढ़वाल मुझे बहुत ही पसंद है और डोब में मुझे रहना तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए आप भी मेरे साथ ये सुंदर नज़ारे एंजॉय करिए। ये नज़ारा देखिए, इतना प्यारा नज़ारा नज़र आ रहा था। ये सारे पाइन के पेड़ों के बीच से जो रास्ता निकल रहा है गौमुख के लिए, इतना सुंदर रास्ता लग रहा था और इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था कि आप भूल जाएंगे कि आपको इतनी ट्रैकिंग करनी है। और ये नीचे आप देख सकते कितने सारे पाइन कोन गिरे हुए हैं। और गढ़वाली में पाइन कोन को छेंती बोलते हैं और जो पाइन ट्री है उसे छेंती का पेड़ बोलते हैं। सुभाष, एक गौमुख से एक थैली ले लेते, इधर अच्छी अच्छी छेनती है, मैं ले लेती हूँ। सुभाष, इधर अच्छी अच्छी छेनतियाँ है, मैं ले लूँ ले लूँ? मत करो, मैं आते आते लेऊंगी इसमें से। क्या बोलता है, ले लो? थैली मिलेगी गौमुख में, ये भी अच्छी है। इधर हमने कबड्डी खेल रहे थे। क्या कबड्डी? अभी कहाँ है मंदिर? किधर है वो तो बताओ, मंदिर कहाँ है? गणे भाई ये कानू और सुभाष यहाँ से ट्रैकिंग इतनी फास्ट करके आगे निकल गया और मैं यहाँ से धीरे धीरे उतर रही हूँ रास्ते पे से, क्योंकि रास्ता काफ़ी नैरो है और पहाड़ों के बीच में रास्ता बना हुआ है तो काफ़ी नैरो रोड है। और नज़ारा तो मैं क्या ही कहूँ। आप देखिए पाइन के पेड़ और पर्वत, कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगा बस यहाँ पर बैठ के सिर्फ नेचर इन्जॉय करूँ। ये देखिए मेरे पीछे नज़ारा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने ये ट्रैक सबसे ज़्यादा इन्जॉय की। इसीलिए तो बोलते हैं कि गढ़वाल बहुत ही सुंदर है और गढ़वाल में नेचुरल ब्यूटी है। ऐसी नेचुरल ब्यूटी आपको सिर्फ उत्तराखंड गढ़वाल में ही देखने मिलेगी। एक बड़ी थैली चाहिए। क्या करेगी उसका? वो छेनती डालना है उसमें। इसमें लेके जाना? ये तो मुझे ओढ़ना पड़ेगा ना सर पे। पूछो ना इधर किधर, इधर मार्केट किधर है गौमुख का? तो मुझे थैली चाहिए, इनके पास होएगी? इनके पास होएगी? नहीं तो तुम्हारा ये दे देना। हाँ ये दे देगा। पहुंच गए हम गौमुख में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में। ये मंदिर स्वयंभू है और कहा जाता है ये मंदिर 100 साल से भी पुराना है। ये है मंदिर, ये है बर्मा के बीच में महेश। अच्छा, तो पानी कहाँ से आता है? पानी कहाँ से आता है? यहाँ से आता है पानी सुबह? नहीं यहाँ से था।
और मंदिर से आप नीचे का नज़ारा देखिए। ये मंदिर इतनी हाइट पे है कि यहाँ से नीचे का नज़ारा इतना सुंदर नज़र आता है। और ये है लक्ष्मी नारायण जी का प्राचीन मंदिर जो गौमुख में है, और कहा जाता है ये मंदिर भगवान ने साक्षात बनाया है, स्वयंभू मंदिर है। और ये मंदिर सिर्फ एक ही रातों में तैयार हो गया था, जैसे सुबह सूरज उगा और मंदिर पूरा हो गया, तो ऐसे बना था ये लक्ष्मी नारायण जी का स्वयंभू प्राचीन मंदिर। और आप अंदर मूर्ति भी देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल है। एक भाई आते थे रोज पानी लेने। ये कितने साल पुराना है मंदिर? 2500 वर्ष, जैसे शंकराचार्य जी के जमाने का बताते हैं लोग, उसी हिसाब से 2500 वर्ष शंकराचार्य जी का कार्यकाल हुआ। 2500 वर्ष इतना पत्थर का ही तो है, इन लोगों ने चूना लगा दिया ना गांव वालों ने। अच्छा, नहीं तो पत्थर ही लगता था। हाँ, अच्छा पत्थर का ही मंदिर है। जय हो। अच्छा, ये पूरा पत्थर का है, चूना नहीं लगाया होता तो अच्छा था। अच्छा लगता, अच्छा लगता। ये तो सफाई नहीं की, वो काला पड़ गया था, इन लोगों ने रगड़ रगड़ करके वो डिस्टेंबर। नहीं, वो अच्छा नहीं लगता। मंदिर की प्राकृतिक जो है ना वो चला गया। वो चला गया। बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे मुझे पंडित जी ने बताया ये मंदिर आदि शंकराचार्य के ज़माने का है। और ये मंदिर प्राचीन जो पत्थर है गढ़वाल में, जो पत्थर से मंदिर बनते हैं उन उसका बना हुआ था, पर गांव वालों ने इस पे वाइट कलर कर दिया। बट फिर भी जो मंदिर है ऑथेंटिक है वो तो वैसा ही है। और ये देखिए स्वयंभू मंदिर में साक्षात लक्ष्मी नारायण जी विराजमान है। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये मंदिर, पत्थरों से बना हुआ ये जो मंदिर है मुझे बहुत ही पसंद आया। और ये देखिए ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर गौमुख में। और यहाँ से ये जो पानी की धारा बह रही है ये हमेशा यहाँ से पानी आता है, और ये पानी लक्ष्मी नारायण जी के पैरों के नीचे से होके आता है। और नज़ारे देखिए मंदिर के बीच में, इतने अच्छे मंदिर से नज़ारे दिखते हैं। यहाँ पे ये मंदिर में आके मुझे इतना सुकून लगा, मैंने काफ़ी टाइम ये मंदिर में बिताया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे हम हमारे बंटे में पानी भर रहे हैं। ये स्वयंभू मंदिर का बहुत ही पवित्र जल है, इतना मीठा और ठंडा पानी होता है। ये मैंने जो पानी पिया है उससे, इससे अच्छा पानी मैंने कभी भी नहीं पिया। ये पानी का स्वाद ही कुछ अलग है, इतना मीठा पानी है, इतना ठंडा पानी है। और ये जो पानी की धारा है ये कभी भी नहीं रुकती है, ये हमेशा ये पानी चलता ही रहता है। ये पानी लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति के चरणों से आता है। कहा जाता है जब लक्ष्मी नारायण जी ने ये मंदिर बनाया तब से ये पानी की धारा चालू है, और ये मंदिर सिर्फ एक रात में बना हुआ है। यही तो है कुदरत का, भगवान का चमत्कार। पकड़ी तुहे घूमो चल मेरे पहाड़ों, गुलाबी सूट तेरो गोरी जंगल वाड़ी, तुहे महकने भले दिखे टोपी पहाड़ी, गुलाबी सूट तेरो गोरी जंगल। ये है लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर का स्वयंभू पानी जो साक्षात लक्ष्मी नारायण जी के मूर्ति के चरणों से आता है। यानी कि ये पानी लक्ष्मी नारायण जी के चरणों से ही होके आता है। मंदिर से हमने पानी लिया, दर्शन किए और वहाँ पे हमने सुकून से थोड़ा टाइम बिताया। तो अभी सुभाष ये बंटा लेके घर तक जाएंगे
एक घंटे की ट्रैकिंग करके बस थोड़ी देर रुके है? थोड़ी देर रुक के जाए, रुको थोड़ी देर। ये नज़ारा इंजॉय करते करते हम घर की ओर निकल पड़े। बहुत ही जल्दी आपको मिलती हूँ और एक नई गढ़वाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड यस क्लिक दैट बेल आइकन सो आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी।